हेलो वेलकम एवरीवन तो अपना हम लोग वीडियो सीरीज में क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है उसको देख लेते हैं तो इसमें एस एस जे प्री के जो भी स्टूडेंट 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारी ये टेस्ट सीरीज है जिसमें हम आपको डिटेल वीडियो सोलूशन अपने टेस्ट सीरीज के साथ साथ डिटेल वीडियो सोलूशन प्रोवाइड कर रहे हैं अच्छा दो कैटेगरी में आपका टेस्ट सीरीज है एक विथ वीडियो सोल्यूशन एक विदाउट वीडियो सोलूशन तो आप ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या आप लोग सिविल की गोली ऐप डाउनलोड कर सकते हैं वहां से इस टेस्ट को देख सकते हैं दोनों आपके लिए जो आपको सही लगे आप लोग परचेज कर सकते हैं बहुत ही आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगा इसमें टोटल हमारे जो टेस्ट है नंबर ऑफ वन फिफ्टीन है फुल लेंथ इसमें आपके दस टेस्ट हैं सब्जेक्ट वाइज आपके फोर्टी एट है रीजनिंग के आपके ट्वेंटी टेस्ट हैं और जीके के थर्टी सेवन टेस्ट हैं ठीक है बिल्कुल आपको डिटेल्ड में वीडियो सोल्यूशन भी आपको टेस्ट सीरीज का मिलेगा और यदि देखते हैं तो इस टेस्ट सीरीज में जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं 2024 ट्वेंटी फोर में उनकी फी जो है वो फुल रिफंड कर दी जाएगी और इस टेस्ट की खासियत क्या है एक तो वीडियो सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं दूसरा आपका इसमें आई एस कोड बेस्ड क्वेश्चन मल्टीपल स्टेटमेंट जो कि आपका एस एस पूछ रही है कॉलम मैच क्वेश्चन रॉन्ग स्टेटमेंट इंक्लूड क्वेश्चन आपका इमेज बेस्ड क्वेश्चन इन सारे क्वेश्चन को हम अलग प्रोवाइड कर रहे हैं ठीक है इनके लिए अलग अलग कैटेगराइजेशन कर रखे हैं तो जिससे आपको ईजिली इन टेस्ट को आप लोग दे सकते हैं और आप मार्क्स अच्छा गेन कर सकते हैं अपने एग्जाम में बाकी आपको हम इसमें 2019 से लेकर 2023 तक के पेपर जो है आपके एस एस के उनके सॉल्यूशन पीडीएफ भी प्रोवाइड कर रहे हैं प्रत्येक मंथ के करंट अफेयर का प्रैक्टिस क्वेश्चन एक वीडियो सोलूशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं अच्छा एक चीज बच्चों को डाउट रहता है वो मैं क्लियर कर देता हूं तो आपका टेक्निकल जो होगा वो इंग्लिश में होगा और नॉन टेक आपका बायोलिंग है इंग्लिश और हिंदी दोनों में ठीक है टोटल लगभग पैतालीस से ज्यादा क्वेश्चन को इस वीडियो सोल्यूशन में कवर किया गया है तो चलिए अब अपना स्टार्ट करेंगे हम लोग वीडियो को पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है विच ऑफ दीज इज नॉट ए लैंग्वेज इन इंडिया कर रहे इनमें से कौन सी एक भारतीय भाषा नहीं है सिंधी सिख कन्नड़ कोंकणी अच्छा यहाँ पर एक चीज़ तो आपको क्लियर हो रहा है इस क्वेश्चन में ना सिख यदि हम बात करते हैं तो ये आपका लैंग्वेज नहीं है ये आपका क्या है एक कम्युनिटी है ठीक है ये क्या है आपका एक कम्युनिटी है समुदाय है ठीक है ये क्या है आपका कम्युनिटी है ये आपकी कोई भाषा नहीं है अच्छा यदि भाषाओं की बात करते हैं तो भारतीय संविधान के जो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है भारतीय जो हमारा संविधान है जो हमारा भारतीय संविधान या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हम बात करते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आपका आठवीं अनुसूची किसमें आठ, एट्थ शेड्यूल यदि हम बात करते हैं या आठवीं अनुसूची की यदि हम बात करते हैं ठीक है आठवीं अनुसूची की यदि हम बात करते हैं जो आठवीं अनुसूची है ठीक है उसके द्वारा भारत में जो है आपका कौन कौन सी भाषाएं हैं जिनको जो आपका राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है तो आठवीं सूची हम बात करते हैं तो उसके तहत आपको असमिया है ये आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं आपका असमिया हो गया बंगला हो गया गुजराती हो गया हिंदी हो गया कन्नड़ हो गया मलयालम हो गया ठीक है आपका मराठी उड़िया कुल मिलाकर जो है आपके 22 भाषाएं हैं इस तरह जिनको जो है आपका आठवीं अनुसूची के तहत तो राजभाषा की दर्जा दी गई है सो संस्कृत है तमिल है उर्दू है ये सब भाषाएं हैं ठीक है ठीके? अच्छा यदि हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें तो 1967 में ठीक है 1967 में संविधान में 21वां संशोधन कब 1967 में जो कॉन्स्टिट्यूशन में आपका 21 ठीक है यदि हम बात करते हैं 21अथ एमेंडमेंट यदि हम एमेंडमेंट की बात करते हैं तो इसके तहत जो है आपका सिंधी भाषा को जोड़ा गया है किसको सिंधी भाषा को जोड़ा गया है भारतीय संविधान की अनुसूची आठवें ठीक है ऐसे यदि हम बात करते हैं अपना ऐसे यदि हम बात करते हैं तो नाइनटीन नाइनटी टू में जो है आपका हम यदि बात करें तो इकहत्तरवें सेवेंटी सेवन एमेंडमेंट यदि हम बात करते हैं ठीक है तो उसके तहत जो है आपका जो है मणिपुरी पोखड़ी लिख लेते हैं मणिपुरी 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 और यदि तो नेपाली इनको भी राजभाषा में जोड़ा गया है ठीक है ये आप लोग इंपॉर्टेंट चीजें हैं ध्यान देंगे इस तरह बान संशोधन यदि हम बात करते हैं और लिख लेते हैं तीसरा यदि हम बात करते हैं दो में दो में आपका 92 टू बान संशोधन करके बान संशोधन ठीक है इसको कर करके आठवीं अनुसूची में आपका मैथिली मैथिली डोगरी और बोडो ठीक है इन भाषाओं को भी आपका जोड़ा गया है आठवीं अनुसूची में यहां पर कौन नहीं है तो आपको क्लियर है सिख चलते हैं अगले क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका इन विच ईयर डिड द फर्स्ट इलेक्टेड प्राइम पार्लियामेंट विद टू हाउसेज कम इन टू बी इंडिया किस वर्ष में जो है आपके दोनों सदन पहली बार जो है निर्वाचित होकर अस्तित्व में आए थे तो यदि हम बात करते हैं अच्छा जो आपका संसद होता है केंद्र सरकार का के क्या होता है विधायी अंग होता है यदि हम संसद की बात करते हैं तो हमारी संसद के जो है संविधान के अनुसार जो है संसद के तीन अंग होते हैं कौन कौन से हैं संसद यदि हमारे बात करते हैं संसद संविधान के अनुसार इसके तीन अंग होते हैं ठीक है तीन अंग संसद के होते हैं एक होता है हमारा राष्ट्रपति राष्ट्रपति एक होती है हमारी राज्यसभा राज्यसभा ठीक है और एक हमारा क्या होता है लोकसभा 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 राज्यसभा को हम उच्च सदन भी कहते हैं तो ये भी आप लोग को याद रखना चाहिए उच्च सदन तो यदि हम बात करते हैं आपका भारत में चाहे हम राज्यसभा और लोकसभा दोनों की यदि हम बात कर ले तो इनका अस्तित्व तो यदि हम बात करते हैं तो कब आया तो 1952 में कब 1952 में ठीक है 1952 में क्या हुआ जब आम चुनाव हुए तो आम चुनाव में होने के बाद तीन अप्रैल कब तीन अप्रैल उन्नीस में जो है राज्यसभा का गठन कब तीन अप्रैल उन्नीस को राज्यसभा का गठन हुआ तो ये भी आप लोग इंपॉर्टेंट याद रखेंगे ठीक है तो कब हुआ आपका उन्नीस चलते हैं अगले क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है द नेशनल एंथम वॉज एडॉप्टेड बाई द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली इन कह रहे हैं संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया या आपका अंगीकृत किया गया अच्छा यदि हम बात करते हैं हमारा राष्ट्रगान क्या है दिया? आप सब लोग को पता है हमारा यदि हम बात करते हैं हमारा राष्ट्रगान राष्ट्रगान सबको पता है जनगण जन मन ठीक है जन गण क्या है हमारा राष्ट्रगान है इसको संविधान द्वारा मान्यता बात करते हैं अंगीकृत करने की बात करते हैं चौबीस तो जनवरी उन्नीस जनवरी 1950 को ये जो है आपका संविधान सभा द्वारा अपना लिया गया ठीक है इसके रचयिता की बात करते हैं किसने लिखा तो ये सबको पता है किसने रविंद्रनाथ टैगोर ने ठीक है रविंद्रनाथ रविंद्रनाथ

बांग्लादेश का राष्ट्रगान है ये भी रविंद्रनाथ द्वारा ही लिखित है चौबीस जनवरी उन्नीस सौ चलते अगले क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन क्या कर हमारा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर कर जो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसको हम क्या कहते हैं कहते हैं सीएजी कहते हैं ठीक है इसके द्वारा कौन सी जिम्मेदारी की जाती है रीजन है जिसके लिए सीएजी का गठन किया जाता है कि वो राज्य और जो आपके केंद्र है उसके बीच जो आपका जो है ऑडिटिंग है उसको जो है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की उसको ये बनाए रखे इसके लिए तो इसका होता है। है, रेगुलेटिंग नहीं, अधिकार नहीं मिला कैग मिल होता है वो देखभाल करता है कि सही से राज्य और केंद्र के बीच जो है अपना जो फंड है बजट है उसका जो है बंटवारा हो सके तो ये भी सही है भुगतान हो सके कह रहा है समेक निधि से पूंजी का निर्गम सही बात है आपका इश्यू ऑफ मनी फ्रॉम

स्वतंत्र पद प्रदान करता है तो यदि हम बात करते हैं आपका भारतीय संविधान में आर्टिकल हम बात करते हैं अपना अनुच्छेद आर्टिकल या अनुच्छेद बात करते हैं अपना कौन सा तो 148 ठीक है अनुच्छेद 148 के तहत जो है आपका भारत का जो कैग जो है ठीक है सीएजी जो है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है इसकी नियुक्ति यदि हम बात करते हैं नियुक्ति किसमें अनुच्छेद एक सौ और ये इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है तो इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है ठीक है और इसको भी ऐसे ही हटाया जाता है यदि सीएजी को हटाना है तो आप जो है जिस प्रक्रिया के तहत मुख्य न्यायाधीश जो सर्वोच्च न्यायालय का होता है उच्चतम न्यायालय का उसको हटाया जाता है उसी प्रक्रिया के तहत आप सीएजी को भी हटाते हैं और इसका कार्यकाल के यदि हम सीएजी के कार्यकाल की बात करते हैं ठीक है यदि हम के कार्यकाल की बात करते हैं तो छह वर्ष होता है छह वर्ष या उनकी आयु जो है आपकी अधिकतम पैंसठ वर्ष हो जाए ठीक है तो ये ये आपका जो है नियम है नियम आप क्वेश्चन नंबर सिक्स की यदि हम बात करते हैं कराए अंडर विच अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज गुड्स एंड सर्विस टैक्स इम्पोज कराए भारत के संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा पर कर लगाया गया था ठीक है यदि हम गुड्स एंड टैक्स मींस जीएसटी की यदि हम बात करते हैं तो आपका 101वां संशोधन कौन सा 101 ठीक है 101वां जो हमारा संशोधन हो गया 101 आपका जो अमेंडमेंट हो गया ठीक है जो अमेंडमेंट हुआ ठीक है जो इसका अमेंडमेंट हुआ उसके तहत जो है आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो आपका वो कब आया तो ये आया आपका इस के तहत आपका एक जुलाई कब एक जुलाई एक जुलाई ठीक है आपका 2017 में लागू हो गया एक जुलाई 2017 में ये भारत में लागू हो गया ठीक है और इसके तहत जो है आपका संविधान में एक नया अनुच्छेद कौन सा जोड़ा गया एक नया अनुच्छेद आपका 279 ए जोड़ा गया ठीक है जिसके द्वारा जीएसटी परिषद का गठन किया जा जाता है जीएसटी के परिषद का गठन किसका जीएसटी के परिषद का गठन परिषद का गठन ये भी आप लोग याद रखेंगे सब इंपॉर्टेंट है ठीक है अच्छा जीएसटी में चार स्लैब दर है ठीक है जीएसटी में जब हम दर की बात करते हैं जीएसटी जीएसटी में यदि हम बात करते हैं अपना आपका स्लैब रेट का टैक्स रेट की हम बात करते हैं तो चार स्लैब रेट है जिसमें आपका एक क्या है आपका इसमें एक पांच परसेंट का है फाइव परसेंट का है एक, आपका हम, बात करते हैं, 12 का है, एक हम बात करते हैं अपना 18 का है और एक यदि हम बात करते हैं तो ट्वेंटी एट परसेंट का आपका टैक्स लाइव रेट है ठीक है तो आप सही ऑप्शन क्या मिल जाएगा इसके तहत जो तो एक सौ एकवे संशोधन के तहत तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ओके चलते हैं अगले क्वेश्चन पे रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स वॉज एडेड हम बात करते हैं हमारा प्रथम संशोधन संविधान का कब हुआ तो उन्नीस सौ इक्यावन में हुआ तो यह आपको पता है संविधान का प्रथम संशोधन कब हुआ उन्नीस सौ इक्यावन को हुआ ठीक है प्रथम संशोधन उन्नीस सौ इक्यावन को हुआ और इस संशोधन के तहत कौन सी अनुसूची जोड़ी गई तो इस संशोधन के तहत आपकी नौवीं अनुसूची कौन सी शेड्यूल ठीक नौवी है नौवीं अनुसूची शेड्यूल शेड्यूल जो है 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 ठीक ठीक वो आपकी जोड़ी गई थीके? अब इस में क्या है तो इस शेड्यूल अच्छा इस शेड्यूल में क्या है जो भी कानूनों को जो भी कानूनों को इकतीस बी के तहत इकतीस बी के तहत जिन कानूनों को संरक्षण प्राप्त है वो इस शेड्यूल में जोड़े गए हैं ठीक है और इन कानूनों को जो है आपका न्यायालय के समक्ष जो है चुनौती नहीं दी जा सकती है ठीक है वर्तमान में ऐसे कितने कानून हैं जिनको जिनको जो जो बी में रखा गया न्यायालय द्वारा जो है जो चुनौती नहीं दिया जा सकता है, वो आपके है दो सौ चौरासी कानून टोटल दो कानून ऐसे हैं जो इकतीस बी में आते हैं तो ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं तो कौन संशोधन हुआ आपका आपका यदि हम बात करते हैं कौन सा अनुसूचित नौवीं अनुसूची नाइन्थ अनुसूची आपकी हो गई चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कर रहा अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कह रहा है हाउ मेनी मेंबर्स आर इन इंडियन पॉलिसी कमेटी कह रहा है भारतीय मौद्रिक निधि समिति में कितने सदस्य होते हैं भारतीय मौद्रिक निधि समिति की यदि हम बात करते हैं, हैं ठीक है इसका गठन किस लिए किया गया तो इसका गठन जो है ब्याज दर निर्धारण के लिए इसका गठन किसके लिए किया गया यदि पूछ दे तो ब्याज दर निर्धारण के लिए किया ठीक है ब्याज दर निर्धारण और उसको पारदर्शी ठीक है ब्याज दर निर्धारण के लिए इसका गठन कब किया गया यदि ये पूछ दे तो इसका गठन आपका 27 जून कब 27 जून आपका 2016 कब 27 जून 2016 को किया गया यदि हम बात करते हैं इसके सदस्यों की संख्या यदि हम बात करते हैं क्या इसके सदस्यों की संख्या यदि हम बात करते हैं क्या इसके सदस्यों की संख्या यदि हम बात करें कुल कितने सदस्य हैं तो इसके छे सदस्य हैं कितने किए? इसके सदस्य कुल हैं तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है छह सदस्य कुल हैं ठीक है जिसमें यदि हम इन में बात करते हैं तो आपका तीन आर से तीन आपके जो है किससे होते हैं आरबीआई से थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तरह और आपके अन्य जो तीन है वो भारत सरकार द्वारा स्वतंत्र चुने जाते हैं तो अन्य तीन जो है ये भारत सरकार द्वारा चुने जाते हैं ठीक है भारत सरकार द्वारा ये भी आप लो आप लोग ध्यान रखेंगे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे करे, who appoints the Finance Commission of India करे भारत के वित्त आयोग की, वित आयो की नियुक्ति कौन करता है 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 ठीक ये क्वेश्चन यदि हम बात करते हैं भारत वित्त आयोग की, वित आयो की नियुक्ति के बारे में ठीक तो है तो अनुच्छेद क्या है 280 आर्टिकल 280 के तहत आर्टिकल 280 के तहत जो है आपका जो भारत का वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया है ठीक है कौन भारत का जो फाइनेंस कमीशन या वित्त आयोग कहते हैं फाइनेंस कमीशन यदि हम बात करते हैं आर्टिकल 280 के तहत आपका जो है फाइनेंस कमीशन का जो यदि हम बात करते हैं अपॉइंटमेंट कौन करता है तो वो आपका राष्ट्रपति करता है कौन प्रेसिडेंट करता है ठीक है प्रेसिडेंट करता है

वर्ष और इस आयोग का कार्यकाल यदि बात करते हैं टाइम ड्यूरेशन इस आयोग की यदि हम बात करते हैं क्या टाइम पीरियड की इस आयोग की वो कितने होती है पांच वर्ष होती है ठीक है पांच वर्ष होती है ठीक है और यदि वर्तमान में यदि हम बात कर रहे हैं कौन सा है तो वर्तमान में आपका पंद्रहवा वित्त आयोग चल रहा है पंद्रहवा आपका वित्त आयोग ठीक है जिसका अध्यक्ष कौन है तो अध्यक्ष की बात करते हैं तो आपका एन के सिंह की अध्यक्षता में एन के सिंह एन के सिंह की अध्यक्षता में कब आपका कार्यकाल की यदि एक अप्रैल एक अप्रैल दो हजार बीस से आपका इकतीस मार्च 31 मार्च आपका दो हजार पच्चीस तक ट्वेंटी तक इसकी टाइम पीरियड है तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं सही so, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कह रहा है चीफ मिनिस्टर ऑफ सेवन स्टेट्स आर मेंबर ऑफ कह रहा है आपका जो है निम्नलिखित में से जो है <coughs> किसके सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं नीति आयोग वित्त आयोग आपका राष्ट्रीय विकास परिषद और चुनाव आयोग अच्छा यदि हम बात करते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद ठीक है राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी एनडीसी बात करते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ठीक है एनडीसी की बात करते हुई थी ठीक है इसका अध्यक्ष के लिए हम बात करते हैं इसका जो है अध्यक्ष कौन होता है यदि हम बात करते हैं इसका चेयरमैन या अध्यक्ष बात करते हैं इसका अध्यक्ष या चेयरमैन कौन होता है भारत का जो प्रधानमंत्री जो भारत के प्रधानमंत्री जो है भारत के प्रधानमंत्री होते हैं इसके अध्यक्ष ठीक है और इसमें अन्य सदस्यों में जो है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री सभी केंद्र शासित प्रदेशों के आपके प्रशासक मतलब गवर्नर्स लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ठीक है और सभी कैबिनेट के मंत्री जो है वो इसके सदस्य होते हैं सही ऑप्शन क्या होगा नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल चलते हैं अगले क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कह रहा है द फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन ऑफ इंडिया वाज हेल्डेड बाय कह रहा है भारत के प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का नेतृत्व जो है किसने किया था यदि हम बात करते हैं भारत के प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के नेतृत्व के बारे में बात करते हैं तो आपका जनवरी कब आपका जनवरी ये भी याद रख सकते हैं जनवरी आपका 1953 में जनवरी 1953 में ठीक है पहले कौन काका कालेकर को प्रथम पिछड़ा आयोग का गठन किया किसने काका कालेकर काका, काका, कालेलकर ठीक है इन्होंने क्या किया तो जनवरी उन्नीस सौ तिरपन में इन्होंने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन इन्होंने किया ठीक है अब इसके तहत क्या था इस आयोग ने क्या किया राष्ट्रीय शिक्षा किया? किया, तो और सामाजिक तो में मतलब चार मानकों के तहत जो है दो हजार तीन सौ निन्यानवे आपकी पिछड़ी जातियां हैं दो हजार कितनी दो हजार तीन सौ निन्यानवे यदि आपकी पिछड़ी जातियां तो पिछड़ी जातियां हैं और आठ कितनी आठ जो है अति पिछड़ा जा अति है। पिछड़ी हैं आप लोग ध्यान रखेंगे तो कौन है काका कालेलकर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज इज नॉट मैं इन कॉन्स्टिट्यूशन करें इनमें से कौन सा ऐसा निकाय है जो संविधान में उल्लेखित नहीं है ऑप्शन क्या दे रखा है आपका संघ लोक सेवा आयोग बिल्कुल संविधान में है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यदि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में बात करते हैं, हैं। ठीक है तो ये आपका एक संवैधानिक निकाय ना होकर के एक संविधिक निकाय है कौन सा यदि क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी कि ये आपका स्ट्रेचुअरी बॉडी है क्या है आपका स्टेचुअरी स्टेचुअरी बॉडी है ठीक है स्ट्रेचुरी बॉडी है हिंदी में क्या कहते हैं इसको हिंदी में कहते हैं संविधिक निकाय है संविधिक अच्छा इसका गठन कब हुआ था ये भी क्वेश्चन यदि पूछ दे तो आपका नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है ठीक है इसका गठन आपका 12 अक्टूबर 12 अक्टूबर 1933 में उन्नीस 19... में आपका प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन एक्ट किसका प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन एक्ट 1933 द्वारा किया गया ठीक है तो ये भी आप लोग याद रखेंगे ठीक है और इसका यदि हम बात करते हैं इसकी अध्यक्षता कौन करता है तो इसकी अध्यक्षता की यदि हम बात करते हैं इसकी अध्यक्षता कौन करता है यदि इसकी अध्यक्षता की बात करते हैं कौन करता है सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त नि, सेवा जो है ठीक है जो सर्वोच्च न्यायालय है हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी सेवानिवृत्त जज ठीक है जो रिटायर्ड जज है कौन रिटायर्ड जज वो इसके अध्यक्ष होते हैं ठीक है आप का कार्यकाल यदि बात करते हैं तो तीन साल से लेकर के अधिकतम आयु विधि वर्ष तीन वर्ष

ये आपका पंचायती, पंचायती राज से इससे पंचायती राज से ठीक है और यह समिति जो है कब गठित हुई तो यह समिति जो है आपकी उन्नीस में गठित हुई इसका जो गठन हुआ कब हुआ उन्नीस में हुआ ठीक है और इसका काम क्या था राज्य व्यवस्था जो है उसको शक्तिशाली बनाना इसका मेन कार्य था राज्य व्यवस्था को शक्तिशाली बनाना और उसको जो है क्या संवैधानिक दर्जा दिलाना ठीक है

राज्य जो है विद्यमान अच्छा यदि हम बात करते हैं तो आपका एक और कमेटी हम बताते हैं आपको बलवंत राय समिति कौन बलवंत बलवंत राय समिति ये भी आप लोग याद रखेंगे समिति क्वेश्चन पूछे तो बलवंत राय समिति की ही सिफारिश पर इनके सिफारिश पर जो है उसके आधार पर त्रिस्तरीय क्या त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई ठीक है और इन्हें जो है पंचायती राज का वास्तुकार माना जाता है ये भी याद रखेंगे इन्हें जो है पंचायती राज का क्या माना जाता है वास्तुकार माना जाता है वास्तुकार माना जाता है ठीक है अच्छा इसमें यदि हम बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश है इन ऑप्शंस को देखते हैं अरुणाचल प्रदेश मिजोरम नागालैंड अच्छा अरुणाचल प्रदेश पंचायती राज में विद्वान इसमें पंचायती राज व्यवस्था विद्यमान है बट यदि हम बात करते कहा मेघालय मेघालय मिजोरम मिजोरम नागालैंड इन राज्यों में जो है पंचायती राज व्यवस्था जो है वो लागू नहीं है तो यहां क्या है पर क्या होगा अरुणाचल प्रदेश चलते हैं अगले क्वेश्चन पे करें फर्स्ट लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा लोकसभा में विपक्ष के प्रथम नेता कौन थे यदि हम बात करते हैं लोकसभा में विपक्ष के प्रथम नेता कौन थे तो लोकसभा में विपक्ष के प्रथम नेता यदि हम बात करते ए के गोपाल नाथ थे कौन थे ए के गोपाल नाथ कौन थे ए के गोपाल नाथ या ए के गोपालन जिनको कहते हैं कौन ए के गोपालन यह भी सॉरी गोपालनाथ नाथ मान के गोपालन ए के गोपालन एक को पालन की बात करते हैं तो ये किस पार्टी से रिलेटेड थे ये कॉम्युनिस्ट से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है ठीक है सीपीआईएम कौन सीपीआईएम से रिलेटेड है सीपी CP... आई I... एम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जो है उससे ये सदस्य रहे हैं ठीक है और ये जो है गांधी जी के साथ जो है उन्नीस के जो नमक सत्याग्रह था उसमें भी इन्होंने हिस्सा लिया था ठीक है खिलाफत मूवमेंट में भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है ठीक है सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए के गोपालन जो कि आपके पहले लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा में रहे हैं ऑफ द द फॉलोइंग इज कॉल्ड पॉपुलर चेंबर कह रहा है कि इनमें से किसे जो है पॉपुलर चेंबर के नाम से जाना जाता है यदि हम पॉपुलर चेंबर की बात करते हैं ठीक है ठीके? जो हमारी लोकसभा होती है किसे जो हमारी लोकसभा होती है लोकसभा क्या कहा जाता है पॉपुलर चेंबर के नाम से जाना जाता था ये भी आप लोग याद रखें किसे लोकसभा जो है उसको पॉपुलर चेंबर के नाम से जाना जाता है ठीक है और लोकसभा के बात करते हैं वन लोकसभा हमारा हाउस ऑफ पीपल है लोअर हाउस कहलाता है ठीक है हाउस ऑफ पीपल इसको हम लोअर हाउस भी कहते हैं अपर हाउस क्या है आपको बता मैं पहले भी राज्यसभा अपर हाउस है ये आपका लोअर हाउस है अच्छा इसके सदस्यों की संख्या वर्तमान में मैक्सिमम कितनी है तो इसकी सदस्यों की संख्या मैक्सिमम चार सौ पैंतालीस सदस्य होते हैं ठीक है तो यह आप लोग याद रखेंगे और इसको जो है पॉपुलर चैंबर क्यों कहा जाता है क्योंकि यह जो है डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा चुने हुए लोगों द्वारा चुना जाता है ठीक है डायरेक्ट इलेक्शन द्वारा जो लोग चुने जाते हैं उनके द्वारा बनाया जाता है इसलिए इसको पॉपुलर चेंबर भी कहते हैं यहाँ सही ऑप्शन क्या होगा आपका राज्यसभा सॉरी लोकसभा ठीक है कौन होगा आपका लोकसभा आपका सही ऑप्शन चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कह रहा है विच ऑफ द आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अबाउट द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में उल्लेख किया गया है तो यदि हम बात करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में ठीक है किसमें दिया गया है अच्छा यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स दे रखे हैं उनके बारे में बता दे रहा हूँ यदि आर्टिकल क्या ए दे रखा है ये किससे रिलेटेड ये आपका फंडामेंटल ड्यूटीज है क्या है मौलिक कर्तव्य फंडल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य आर्टिकल फिफ्टी फोर की बात करते हैं आर्टिकल फिफ्टी फोर किसके बारे में थी? ये इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में ठीक है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट आर्टिकल फिफ्टी वन के लिए हम बात करते हैं तो ये प्रमोशन ऑफ इंटरनल पीस एंड हारमोनी किससे है प्रोमोशन प्रमोशन ऑफ इंटरनल इंटरनल पीस एंड हारमोनी ऐसे आर्टिकल फिफ्टी थ्री की यदि हम बात करते हैं आर्टिकल तिरपन की यदि हम बात करें तो ये एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन किससे है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन से रिलेटेड है पावर ऑफ यूनियन तो यहां पर राष्ट्रपति के चुनाव से कौन है था? आर्टिकल 54 चलेंगे अगले क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर नम्र 18 हमारा क्या कह रहा है क्वेश्चन पे आते हैं तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रीड्स प्रोवाइड ए रेमिडी फॉर ए पर्सन हु हैज बीन अनलाफुली हेल्ड इन प्रजन का है निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश किसी ऐसे व्यक्ति के लिए उपचार प्रदान करता है जिसे गैरकानूनी तरीके से जेल में रखा गया है तो यदि हम बात करते हैं किसी भी व्यक्ति को यदि गैर कानूनी तरीके से जेल में रखा गया है तो उसके लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण ठीक है क्या है कॉर्पस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है ठीक है ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया आपका रिट है जो कि अनुच्छेद बत्तीस में किसमें है आर्टिकल बत्तीस के तहत किसका आर्टिकल बत्तीस के तहत है ठीक है तथा तो यदि हम बात करते हैं तो न्यायालय अनुच्छेद बत्तीस तथा उच्च न्यायालय ठीक है, 32, तो है या सर्वोच्च न्यायालय यदि हम बात करते हैं ये आपका सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के और उच्च न्यायालय की बात करते हैं उच्च न्यायालय उच्च न्यायालय ठीक है उच न्याले। उच न्याले। न्याले। तो उसके आर्टिकल किसमें है तो हाई कोर्ट की यदि हम बात करते हैं तो उसमें आर्टिकल आपका एक सौ छब्बीस दो छब्बीस के तहत आर्टिकल 226 के तहत रीट जारी करने का अधिकार है ठीक है इस रीट के तहत जो भी व्यक्ति जो है जिसको गैर कानून तरीके से जेल में रखा गया है त्वरित उसको न्याय प्रदान किया जाता है बिना किसी कानूनी औचित्य के ठीक है तो यह आप लोग ध्यान देंगे यदि बिना किसी कानूनी औचित्य के यदि किसी को गिरफ्तार कर लिया गया उसके लिए कॉर्पस मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण है जिसके तहत जो यदि हम सुप्रीम कोर्ट में बात करें आर्टिकल बत्तीस है और यदि हम हाई कोर्ट में बात करें आर्टिकल दो है जिसको उसे फौरी जो है राहत प्रदान की जा सकती है सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर बंदी प्रत्यक्षीकरण चलते हैं अगले क्वेश्चन पे पर आर्टिकल ऑफ़ ऑफ़ द द द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया हु फॉलोइंग इज़ विद टू भारत के संविधान के अनुच्छेद एक सौ बारह एक के तहत निम्नलिखित में से किसे यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व तो सौंपा जाता है कि व्यय का वार्षिक विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाए तो जो भी आपका एक साल में आपका व्यय हुआ है उसको दोनों सदन के समक्ष रखने के लिए कौन आर्टिकल एक जो है किसे आपका जो है सुनिश्चित करने का दायित्व तो जो है सौंपता है तो यदि हम बात करते हैं एज पर आर्टिकल 112 वन हंड्रेड वन यदि हम बात करते हैं भारतीय संविधान का एक बारहवें का एक अनुच्छेद है वो राष्ट्रपति को राष्ट्रपति को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी देता है जो हमारे प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया है उनको यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी देता है कि दोनों सदन के समक्ष क्या करें जो पूरे वर्ष में आपका फाइनेंशियल ईयर में आपका जो भी बजट था जो भी उसका प्रोसेसिंग हुआ जितना व्यय हुआ उसका वार्षिक विवरण जो है वो प्रस्तुत करे अच्छा यदि बात करते हैं जब भी आपका बजट पास होने वाला होता है तो उससे पहले हमारे राष्ट्रपति का जो है दोनों सदनों में पहला भाषण होता है जिसमें इसका विवरण दिया जाता है तो सही ऑप्शन क्या मिल जाएगा आपका यहां पर राष्ट्रपति ठीक है

किससे मौलिक कर्तव्यों को अपनाया गया तो आपको पता है मौलिक कर्तव्यों की यदि हम बात करते हैं क्वेश्चन यही है मौलिक कर्तव्यों को किसमें से अपनाया गया है ठीक है यदि मौलिक कर्तव्यों की बात करें ठीक है तो जो यूएसएसआर यूएसएसआर कौन उस समय यूएसएसआर था जो वर्तमान में अब रशिया है उसके द्वारा जो है मौलिक कर्तव्य क्या क्या अच्छा यदि हम यूएसएसआर के संविधान के द्वारा बात करते हैं तो क्या क्या है हमारा मौलिक कर्तव्य मौलिक कर्तव्य मतलब फंडामेंटल ड्यूटी ठीक है मौलिक कर्तव्य पंचवर्षीय योजना यदि हम बात करते हैं फाइव ईयर प्लान पंचवर्षीय पंचवर्षीय योजना यदि फाइनेंशियल फाइव ईयर प्लान की बात करते हैं ये भी जो है आपका यूएसएसआर द्वारा लिया गया है और प्रस्ताव प्रस्तावना में जो हमारे तीन शब्द है जो हमारे प्रस्तावना में तीन शब्द हैं ठीक है प्रस्तावना के तीन शब्द कौन कौन से आपके सामाजिक सोशलिस्ट आर्थिक और आपका राजनीतिक राजनीतिक पॉलिटिकल ये तीनों संस्था हम शब्द भी यूएसएसआर के संविधान से लिए गए सही ऑप्शन क्या मिलेगा यूएसएसआर आई होप आपके सारे क्वेश्चन जो है क्लियर हुए होंगे बहुत चीजें आपको सीखने को मिली हुई होंगी आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस का तो आपको बहुत इजीली मार्क्स जो इसमें गेन कर सकते हैं थैंक यू एवरीवन